हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 7th of January 2024। दिस इज़ आवर 7th डे ऑफ 365 डे चैलेंज। एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 बजे, और मैं उठ गया था 8 बजे से पहले ही, 5-6 मिनट पहले ही उठा था मैं, लगभग 7:54 7:55 पे। मैं फ्रेश फ्रेश होके बैठा हुआ था। आज मेरा एनुअल हेल्थ चेकअप का ब्लड एंड यूरिन सैंपल कलेक्शन था, तो वो अभी आए रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने मेरा जो भी ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल था वो लिया, और अभी जस्ट गए हैं। तो अभी मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं करूँगा एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद मैं करूँगा नाश्ता। देन आज का जो भी लर्निंग या फिर जो भी मैं करूँगा वो आपको अभी वाली वीडियो में बता दूँगा। ओके। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। अभी बज रहे हैं लगभग 11:15, और मैं अपनी छत पे आया हूँ क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद, लगभग एक हफ्ते बाद धूप निकली है, तो सनलाइट लेने आया हूँ। और आज मेरे जो मेडिकल हुआ था सुबह सुबह, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ नॉर्मल है। ओनली कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हायर साइड में, हल्का सा, तो उसको भी कम करने की कोशिश करूँगा मैं ये ड्यूरिंग दिस 365 डेज चैलेंज। एंड अभी मैं नीचे आके थोड़ी देर बाद मे बी अपनी बुक पढ़ूँ जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैंने चूज़ किया है। एंड हेल्दी खाना खाऊँगा ऑब्वियसली अब तो बिल्कुल। सो सी यू अगेन एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:15, और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। मेरे 5000 स्टेप्स होने वाले हैं कंप्लीट। तो ये हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेरा टारगेट्स थे तो वो कंप्लीट हो गए हैं, ऑलमोस्ट या कंप्लीट हो जाएंगे थोड़ी देर में। मैं अभी वॉक ही कर रहा हूँ। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैं बुक पढ़ रहा था जो मैंने स्टार्ट की थी, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट। तो वो बुक भी मैंने पढ़ी, उसके भी 10-15-20 पेजेस पढ़ लिए मैंने। तो लर्निंग में भी मेरा कंप्लीट हो गया है, एंड जस्ट माइंडलेसली रीड नहीं किया है, जो भी हैं उसमें जो स्टेप्स दिए हैं वो मैं यूटिलाइज करूँगा। इनफैक्ट कुछ तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, तो वो करता रहूँगा टाइम टू टाइम। एंड अपने एक और चीज़ है, ये बात है कि मैं जितने भी अपने टारगेट सेट कर रहा हूँ डेली उनको ट्रैक करता रहूँगा। एंड उसकी वीकली पॉसिबल तो नहीं होगा, बट मंथली मैं एक आपको एक थोड़ा बड़े वीडियो में मैंने क्या लर्न किया या फिर क्या मेरे हेल्थ से रिलेटेड टारगेट्स थे, वो कितना अचीव किए, वो सबको मेजर भी करना ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो उसकी भी एक अलग से वीडियो डालूंगा मैं मंथली एक, और डेली का तो मैं ये 4-5 मिनट का डालूंगा ही जो भी मैं कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली, अब मैं थोड़ा और इनको एग्रेसिव करूँगा, तो मैं जितनी एक्सरसाइज सुबह करता हूँ उसमें थोड़ा और रिपीटिशंस या फिर एक दो एक्सरसाइजेस और ऐड करूँगा। साथ में ये 5000 स्टेप्स को मैं थोड़ा और 5000-6000 के आसपास ले आऊँगा। एंड जितना प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कर सकता हूँ उसमें तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं मेरे को, 35-40 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, ना ही बुक रीडिंग में दे सकता हूँ, क्योंकि अपने बेटे को भी देखना पड़ता है मुझे, और बाकी घर के काम भी करता हूँ साथ साथ। तो ये चीज़ों में करूँगा। साथ में डाइट के रिस्पेक्ट में मैं लगभग 5 रोटी खाता हूँ, तो वो मैं 3 या 4 कर दूंगा ताकि कैलोरीज कम करूँगा अपनी। एंड ऑल्सो जो भी फ्राइड आइटम्स वगैरह हैं वो भी कम करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह कि मेरी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया है, बहुत हाई नहीं मतलब मार्जिनली थोड़ा सा हाई आया है, आई गेस 50 के नीचे होना चाहिए, तो मेरा वो थोड़ा 54 या 55 ऐसा कुछ है, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।